नौजवान पुलिस जवान की पिकअप वाहन की चपेट में आने से हुई मौत। धुरकी से संवाददाता कैफ अंसारी की खास रिपोर्ट। धुरकी थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडार गांव निवासी स्वर्गीय लाल बिहारी बैठा के 48वें वर्षीय पुत्र झारखंड पुलिस जवान संजय बैठा की मौत पिकअप वाहन की चपेट में आने से हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजय बैठा धनबाद के गोविंदपुर थाने में झारखंड पुलिस जवान के पद पर कार्यरत थे। वे रविवार की सुबह की दिनचर्या के अनुसार थाने से टहलने निकले थे, जहां काफी तीव्र गति विपरीत दिशा से आ रही सब्जी लदी पिकअप वाहन जवान संजय बैठा को कुचलते हुए आगे निकल गया। सूचना मिलने पर झारखंड पुलिस के जवान गंभीर रूप से घायल संजय बैठा को आनंद फानन में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं उर्द पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया। इधर घटना की खबर मिलते ही गोविंदपुर थाने के थाना प्रभारी सही धनबाद के वीरिय पुलिस पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की पुनः जानकारी ली तथा शव को अंत परीक्षण हेतु भेजा गया। अंत परीक्षण के पश्चात विभागीय कार्रवाई हेतु पुलिस लाइन धनबाद लाया गया तथा जवान के शव को अंतिम सलामी दी गई तथा परिजनों के उर्द शव को सौंप दिया गया। इधर घटना की खबर मिलते ही उनके पैतृक के गांव भंडार गांव में मातम तथा सन्नाटा छा गया। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। उनके परिवार वाले ने दहाड़ मार कर रो रहे थे तथा आसपास से लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया। सभी ने उनके परिवार वालों को ढाढ़स बांधने की कोशिश कर रहे थे। भंडार पंचायत मुखिया प्रतिनिधि भगवान सिंह, अनूप शाह, बरसात यादव, चंद्रिका यादव, मरगूब अंसारी, राम परवेश राम सहित काफी संख्या में लोग पहुँच कर उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में मनोबल बढ़ाते हुए ढाढ़स बनाया। बताते चले कि झारखंड पुलिस जवान संजय बैठा के दो पुत्र एक पुत्री थी। वे एक पुत्र और एक पुत्री की शादी कर चुके थे तथा एक पुत्र का शादी करना था। ज्ञात हो कि एक साल पहले उनके पिता स्वर्गीय लाल बिहारी बैठा के भी मृत्यु हो चुकी है। इस घटना से आसपास के गांव टोले में शोक की लहर दौड़ पड़ी।